बंद कर स्यापा पेड़ा तरे एनी कड़वी चा सारा दूध आप पी गई है की पागल चनानी सरला बहन जी की हाल चाल। मम्मा प्लीज धीरे बोलो, चुप कर जा, कल दा जमया मैनू सिखांदा पे, जा अपना काम कर। हाँ जी बहन जी। ना मैं बिल्कुल ठीक हाँ, बस हले कार सेट करके फ्री होई सी, नाले तुहानू याद ही करदी पई सी, तुहाडा फोन आ गया। हाँ कार ठीक है, तुहानू तो पता ही हैगा बंबई दे कार किहो जे होंदे ने। भैन जी इत्थे लोकां दे बैडरूम साडे बाथरूम वर्गे हैगे ने। हाँ नाले भैन जी मैं पूरी तरह ब्लाउज भी नहीं पा सकती, अद्धी बाजू तो मेरी बाहर रह जाती है। नाले भैन जी घर के चारों तरफ इन्ने जंगले लगाए हुए ने, लोगों ने इंज लगता तुसी आप चिड़िया घर च बह गए हो। ओई ते हाँ हाँ हाँ, लै माता दे मंदिर में गई सी भैन जी, थले ही हैगा सोसाइटी दे, इन्नी सोहनी मूर्ति हैगी है, मैं तुहानू की दसा, इन्ना मन रज गया मेरा। नाले भैन जी मैनू ना एक इत्थे बेस्ट फ्रेंड भी मिल गया है। हाय हाय भैन जी तुसी क्यों इमोशनल होंदे पए हो, तुहाडी कोई जगह लै सकदा है, क्यों जी गल्लां करदे पए हो। भैन जी तुसी मेरे बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर आ गए हो, BFF, ते ओ मेरे BMF आ गए ने, बेस्ट मुंबई फ्रेंड। हाँ ते फिर अगे सुनो ना, ते भैन जी जद मैं मंदिर च वड़ी ना, उत्थे एक आदमी ना साड़ी उम्र दा ही रोंदा पिया सी, ना रौला नहीं पांदा पिया सी, बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड रोंदा पिया सी, जेंटलमैन वर्गा है। भैन जी तुहानू ते मालूम ही हैगा मेरी 7th सेंस किन्नी स्ट्रोंग हैगी है, उन्हां दे आंसू वेख के मैं समझ गई सी भैन जी इह नूह दे सताए आंसू अगे ने। हाँ ते फिर चौकीदार ने मैनू दसिया ऐ अगे ने किशोरी लाल जी ते मंदिर दे प्रेसिडेंट अगे ने, ते सारा टाइम मंदिर च ही रहंदे ने। हाँ ते भैन जी फिर मैनू ना एक आइडिया आया, भैन जी फिर मैं ना अगले दिन उत्थे ही पहुंच गई मंदिर च, ते मैं अपनी की मधुबाला वाली एक्टिंग करी उत्थे। ओए मैं मर गई माता रानी, तू कद मेरे बेड़े नू बनने बनने लगाएगी, मेरी ती जिंदगी खराब हो गई, मैं मर जावांगी। भैन जी तुसी रो ना, तेरो भैन जी मेरी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग देख के वो घबरा गए, उन्होंने फिर पूछ ही लिता कि होया की है। भैन जी मैं उस टाइम अपनी नूह की बुराई शुरू कर दी, वो सुन के भैन जी उन्होंने अपनी नूह की बुराइयां शुरू कर दी, नाले इन्नी बुराई की कि मेरे कलेजे नू ठंड पै गई। मैं कहनी हां भरा जी, ए वर्ल्ड की सब तो वड्डी बीमारी ना कैंसर होंदी है और ना ही चिकनगुनिया, ए होंदी है नू, NUU। ए ने के सास सहुरे की कोई सेवा ही कर लै, वैसे तुहाडी वाटी कित्थे हैगी है? निर्मल, निर्मल होते हुण गुजरे 4 साल हो गए ने। लेकिन भैन जी इन्ना स्लो बोलते ने कि 2G नेटवर्क भी इन्ना तो फास्ट चलता है, लेकिन मेरी उन्ना ते नाल पक्की बन गई है। तुसी सोसाइटी चे हले शिफ्ट होए? हाँ ओ मेरे पुत्र दा ना इत्थे ट्रांसफर होया कोई प्रोजेक्ट लई, ते तुहानू ते पता ही है MBA ने आना ही नहीं सी, अपनी मां नू ही नहीं छड्डदी। MBA मतलब? मैं अपनी नू नू ना MBA कहनी है, ओदा फुल फॉर्म है मां बदतमीज औरत। ठीक है। हाय मैं गला बाता जी अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गई, माई सेल्फ पम्मी फ्रॉम अमृतसर पंजाब। माई सेल्फ किशोरी लाल फ्रॉम लाहौर पंजाब। हाय फिर भैन जी उस दे बाद जो ओना ने क्या, भैन जी ए दुपट्टा जॉर्जेट दा गए। भैन जी माफ करना, मैं माता रानी दे अगे झूठ नहीं बोलांगा, लेकिन ए तुहाडा जिहड़ा दुपट्टा हैगा ना, ए नकली जॉर्जेट लगदा पिया। हाय मैं मर गई। हाँ ओए ते भैन जी उन्होंने देख के दस दिता नकली जॉर्जेट हो गया। भैन जी इत्थे मराठी बाई रखी है। हाँ ओई जेड़ी भैन जी लत्ता कोलो घुमा के साड़ी घुसा लेंदे ने, वो भी बिना पेटी कोट दे। ओए ते भैन जी मैनू ना ए मेड ना मेरी बिल्कुल MBA वर्गी वाइब्स देंदी है, मैं ना तुहानू बाद च फोन करनी आ। हाँ हाँ दसांगी। शांति शांति हुन ए की बनाया तू? क्या है आंटी इतना सकाड़ी सकाड़ी तुम चिल्लन चिल्ली काई को करती है? तुम्हारी उम्र के अंदर भजन कीर्तन सुनने का तुमको भी चैन मिलेगा और मेरे को भी, लगा के दू क्या? तू गल किवें करनी पई है मेरे नाल? तू मेरे घर च काम करनी है या मैं तेरे घर च काम करनी है? नाले एक ही सुखे चावल दे दाने बनाए ने,
शांति एक गाल अपने पल्ले बांध ले, भैया सुबह परौठे खाते और मैं पूड़ी, खबरदार दोबारा कदी मेरे नाल तू एहो जे औखा बोली तू, समझ आई है? आंटी तुमने अभी क्या बोला मेरे को एक टका नहीं समझ आया, और ऐसे कैसे तुमको मेरे हाथ का कांदे पोहे नहीं पसंद आया, वो देखो भाऊ कितने मजे से खा रहा है। भाऊ अच्छा लगा ना आंकिन पाई जे? ये देखो ते MBA तो भी चार कदम अग्गे अग्गी है, MBBS माँ बदतमीज बाई है शांति। आंटी एक बात पूछूं, तुमको अपने से बात करने का बीमारी है क्या? नहीं नहीं अगर है तो बताओ, मैं डॉक्टर को बुलाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी उम्र के अंदर कई बुड्ढे लोगों को ऐसा होता है, मैंने देखा है। बुड्ढा किन्नू कह रही है तू? अच्छा गावत एक तरह ऐकत नहीं आने मदई चलती है। आंटी मैं वैसे किसी को फ्री में ट्रायल देती नहीं है, वो तो सात माले के किशोरीलाल अंकल ने बोला तो मैं यहाँ पर आई। मैं इस बिल्डिंग की टॉप की बाई है, मंजे बाई की दुनिया की मैं बाहुबली है, वो बात अलग है कि मेरा काम करने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। चलो अब मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले। इंटरव्यू मैं तेरा लवांगी या तू मेरा लवेंगी? तू मैनू जानती नहीं, मैं कौन हगी? पंजाबी बाग दी लेडीज किट्टी दी मैं बाहुबली हगी। एक तो तू हर बार बीच में बोलती है, जब मैं बात कर रही हूँ पहले मेरे को तो सुन ले। आंटी पहले तुम अपना फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम मुझको दिखाओ, जिसके 1000 फॉलोअर से कम होते हैं मैं उसके घर में काम ही नहीं करती। ले चेक कर ले, 86K फॉलोअर ने मेरे गिन ले, देख कितनी हम्बल लगी हूं मैं। वेरी गुड, मेरे भी 90K फॉलोअर हैं। बिल्डिंग की सारी सेलिब्रिटी मेरे साथ ही फोटो भी खिंचवाती है, उनका कोई नया सीरियल आता है या पिक्चर आता है मेरे से ही रीपोस्ट करवाते हैं और ट्वीट भी करवाते हैं। कपिल शर्मा से ज्यादा तो मैं लेती है प्रमोशन का पैसा। हाय मैं सदके जावा, तू मैनू बेवकूफ बना रही है मेरे ही घर च? मैं अपनी जिंदगी च 135 माइया नु कट चुकी हूं, ते बॉम्बे दी माइया केड़ी खेत दी मूली हैगी ने? दिल्ली के लोग तो होते ही चालू है, पर मैं पक्की मराठी मानुस, हरा बोलती है आनी मनाची सांगली। ये देखो सारी सेलिब्रिटी के साथ मेरी फोटो ला बखा। हाय मैं मर गई। एकता कपूर, एकता दे कार भी काम करनी है तू? तो क्या है मस्त भूल गया है, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करती है। कहनी मैनू तो बिल्कुल खास नहीं लगती, एने भेड़े जे शो बना दी है, कदी कोई नागिन बन जाती है कदी कोई कुत्ता बन जाता है, मैं तो देखती नहीं। किन्ने साल तक तो मेरे पिछे पई रही, कहती आंटी एक्टिंग कर लो मेरे शो च, ओदी मम्मी का फोन आंदा सी शोभा मेरी फ्रेंड है। मैं क्या चलो सोचांगी जे टाइम मिलेगा तो। किशोरी लाल भरा जी आओ 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 जी आया नू, बैठो बैठो। मेरे मालक चाह शांति किशोरी लाल जी आए ने चाह बना। ओहो कितनी बार पिएगी, अभी तो पी, मैं दोबारा चाह पी लांगी ते तेरी माँ मर जाएगी, जा जाके चाह बना। पहले आंटी मैं वाईफाई का पासवर्ड लेगी। मैं सच्ची दसा भरा जी, ए मेड ते मजबूरी आदमी को लोग कुछ भी करा सकती है। टिम्मी एनु जरा वाईफाई दा पासवर्ड दस। मम्मी इरिटेट मत करो। अरे मैं की कर रही हूं? अरे मम्मी इरिटेट मत करो, ये पासवर्ड है यार। पासवर्ड है भैन जी, ते बच्चे है ने छेड़ हुए कल्ला। भाऊ मम्मी कैप्स में है ना? यस शांति। हो मैं सच्ची दसा भरा जी, ए बाईया चार सेल्फियां केड़ी खींच लेंदिया ने, अपने आप नु सेलिब्रिटी समझ लेंदिया ने। सही कह रहे हो भैन जी तुसी। खैर छेड़ हुए हो जी गल्ला नु, एक मिनट शांति ओ की कहंदे ने मेरी ना इलाची वाली चाह बनाई, ठीक है? शांति हुन तैनू शांति मिल गई, पासवर्ड मिल गया, हुन जा का अदरक वाली चाह बना दे, नाले दूध जरूर पाई, ऐदा कुछ पता नहीं होंदा। ते जे कड़ी पत्ता पाया ना मैं तेरी टंगा तोड़ दांगी। हो चला बहन जी तुहानू मालूम होगा आज की होया। आंटी अब मैं आखिरी बार समझा रही है, ये कांदा, ये बटाटा, इसे कलिंगड़ बोलते हैं, और ये दूधी, समझा? ए किहो जे ना आगे ने दूधी। आंटी ये मराठी लैंड है, यहाँ पर मराठी मानुस का ही चलता है, मैं तो यही बोलेगी तुम भी सीख लो। देख शांति मेरे घर से तू मैनू ना सिखा, नहीं तो ऐसे ही हो जानी है तेरी बैटल ऑफ कलिंगड़। आंटी अनीता दीदी कैसी है तू? किधर है तू? पहले अंदर तो आओ। हाय मैं मर गई, शकुन है थे।
शांति तू यहाँ है? मैंने तेरे सारे अकाउंट्स चेक किए, तूने चेक इन क्यों नहीं किया? भाई मैंने ते आईडिया ही नहीं अकासी कि शगुन थी रहती है। आंटी जी शगुन नहीं, अनीता। क्या बात है ना कि मैं अपने सोशल मीडिया पे कटका मार रही है। क्या मंजे सोशल मीडिया क्लींजिंग? लिसन प्लीज, तू हाल फिलहाल कुछ भी क्लींजिंग वेंजिंग मत करना। मेरे हस्बैंड का ना द बैग टॉक लॉन्च हो रहा है और उसमें मेरे रेंज के भी बैग्स हैं, AHR रेंज ऑफ बैग्स, और बहुत ही अच्छे। मैं चाहती हूँ कि तू उसे सोशल मीडिया पे अच्छे से प्रमोट करे। अब तो इतना कह रही है तो मना थोड़ी करेगी मैं। बैग आती रेंज, मैनू तो लग गया सी तू एक्ट्रेस आ गई है। क्यों दीदी, दूसरा बिजनेस नहीं कर सकती क्या? एक्चुअली आंटी आई लव बैग्स, तो क्यों ना इसके जरिए यू नो मैं अपने पैशन को शेयर करूं। ओ सब तो ठीक है कि एक ता तैनू पैसे नहीं देंदी जेड़े तू होर दूजे काम करनी पई है। आंटी करण जौहर फिल्में बनाता है और टॉक शो करता है, सोनाक्षी सिन्हा भी एक्टिंग करती है और जगह जगह जज बनती है, यहाँ पर सब दो दो बिजनेस करते हैं, यहाँ पर ऐसा ही चलता है ना दीदी? हाँ, इनफैक्ट सारे सेलिब्रिटीज के पास मेरे रेंज की ही बैग्स हैं, आपको भी दिखाऊं? ऐ शगन घर घर जाके बैग बेच दिए, मैं तो कभी सपने च सोच भी नहीं सकती सी। इनके दिमाग में क्या चल रहा है मुझको सब मालूम है। आंटी जी हैव अ लुक नाउ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की देखो। खैर तुसी ए छड्डो, शगुन तू मैनू ऐ दस सीरियल च अग्गे की होने वाले है, नाले तू एना औखा क्यों बोलनी है इशिता नू? आंटी तुम तो कह रही थी तुम यहाँ का सीरियल देखती नहीं है। नहीं ओ ते मैं वो प्रैक्टिस करन लई करदी पई सी, मैं ऑडिशन देना है ना। आर यू ऑडिशनिंग फॉर अ सीरियल आंटी? हाँ नागिन पार्ट 3, ओदे च मैं ना लीड रोल कर रही हां। आप नागिन बने हो? नहीं नहीं नागिन दी सास। लेकिन मैं सोच रही हां मैं ना पैहियां दी गल ना पहले ही शोभा नाल कर ला, कल नु ऐ ना होए मैनू भी छोले भटूरे दा स्टॉल लगाना पै जाए, है ना? नहीं नहीं आंटी यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, वो लोग बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट रिसेंटली एकता हमें ट्रिप के लिए ले गई थी। किथे? हांगकांग। हाय हाय ए अपना हांगकांग, ओ ते जी की वड्डी गल लगी है, ओ ते मेरी रोहतक वाली ना ना तभी होए ये जड़ी एनी गरीबड़ी जई हगी है। आंटी मो मैं तुम्हें क्या समझा रही है, जद दो सेलिब्रिटीयां गल कर रिया हो ना ते माइयां विचों नहीं बोलदियां, तुम कब से सेलिब्रिटी हो गई? रिलैक्स रिलैक्स मो, एक्चुअली मुझे जाना है, शूट के लिए लेट हो रहा है, और तू तू ना चेक इन करना मत भूलिए। चलो दीदी ये तुम्हारी क्लास की है भी नहीं। बाय बाय चिल्ली रे। बहन जी मैं हमेशा सुनिया सी कि एकता कपूर पैसे नहीं देंदी, आज वेख भी लिता जिन्हां नू पैसे नहीं देंदी उन्हां नू चीप चीप ट्रिप करवांदी है। भैन जी मैनू तो अपनी फिकर पै गई है, मैनू कित्थे लैके जाएगी है? नाला सुपारा ए कलिंगड़ में तेरे मुंह ते छोड़ दांगी। अब बरोबर बोली। ओहो टिमी जरा बाहर जाके देखी कौन है। मम्मा देख रहे हो ना मैं बिजी हूं। टिमी ए अपना ना लेजी पर ना बाहर रखिया कर, जिस दिन मैं मर जावांगी ना तेनू चौथे ते मेरी याद आएगी, फिर जा जाके दरवाजा खोल। लता कुठे होतीस? अरे सासूबाई टपकली, दे पावला भाई सुटले भाई। हाँ हाँ मी रात्री पुरणपोली करणार, अच्छा चल मैं बाद में बात करती, काम पे पहुंच गई। जय महाराष्ट्र। शांति किन्नी छुट्टियां तू होर करेंगी? हाय बड़ी सोनी लगदी पई आज की अगर शिवाजी जयंती। नहीं मेरी सासू भाई ना। अच्छा शिवाजी जयंती का कीर्तन रखे होना है? नहीं नहीं मेरी सासू भाई ऑफ हो गई। ऑफ हो गई मतलब तेरी सास कोई ट्यूबलाइट थोड़ी है जेड़ी ऑफ हो गई है? ओहो आंटी तुम कितना भोला है रे। अरे मेरी सासू भाई टपक ली। ए टपक ली? अरे वही तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड लता को बता रही थी कि वो मर गई और मैं रात को पूरन पोली बनाएगी। हाय मैं मर गई। अरे मैंने कल ट्वीट भी किया था, तुमने देखा नहीं क्या? ये देखो दिव्यांका त्रिपाठी ने तो खास करके मुझको फोन करके कांग्रेचुलेशंस भी बोला। ट्वीट कहता है सासू भाई ऑफ शांति बेखौफ। राइम भी कितना करता है ना। जब मैं चांड मारांगी ना तेरी सारी हड्डियां राइम करंगिया। ऐसे तेरी सास मर गई है, सास माँ वर्गी होंदी है, तेरी माँ मर गई तो तू पूड़ियां तलनी पई है? तेरा सौरा मरा हुए, जेठ मरा हुए, दरानी या जठानी मरे हुए ना तो मैं चार बारी सोचांगी।
की हो जी गल्ला कर रही है, जिस दिन तू सास बन जाएगी ना उस दिन तेनू पता चलेगी सास की कीमत। आंटी तुम साइंटी का एक हो रही है इतना, क्या तुम्हारी सास नहीं थी, तुम कभी बहू नहीं थी, जब वो मरी तो तुम्हारे मन में लड्डू फूटा या नहीं बताओ सांग। हाँ ठीक है चल जाके काम कर, की हो जी गल्ला च पै गई तू, पकड़ी गई ना तुम। सुन वैसे डेथ हुई किस तरह? अरे वो तो बड़ी मस्त स्टोरी है, वो मैंने तो इंस्टा पे भी डाला था। वो क्या है ना कि मैं अपनी सासू भाई के साथ बैठ के अपना फेवरेट सीरियल माझे पति फक्त माझे देख रही थी। मेरी सासू भाई तो बेड पे बैठी थी क्योंकि उससे तो ज़्यादा चला नहीं जाता बुढ़ी जो हुई। तो क्या होता है ना उसके अंदर ना रोहित सपना के पास वापस आ जाता है, तो यही बात मैंने अपनी सासू बाई को जाकर बताई, तो आई शपथ इतनी बड़ी उसने स्माइल दी ना। लेकिन जब सीरियल खत्म होता है ना तो मैंने जाकर सासू बाई को फटाफट बोली, मैंने कहा रोहित को रीटा से छुटकारा मिल गया और सपना के पास वापस आ गया। फिर लेकिन इसके बाद कुछ वो बोली नहीं, मैंने उसको ऐसे हिलाया जोर जोर की हिलाया और उसकी आंखें खुलीच की खुलीच रह गई, इतनी बड़ी मंजे ऑफ हो गई। अगा भाई आंटी तुम काय को इतना दुख मना रही है, मेरी सासू भाई अपना फेवरेट सीरियल देखते देखते इच तो गई, मैंने तो उसके साथ सेल्फी भी लिया था जाते हुए। अच्छा चलो अब ये बताओ तुम क्या खाओगी आज, मैं तुम्हारे मतलब का खाना बनाएगी, कांदा पोहे नहीं बनाएगी। चल ठीक है फिर, तू इन्नी खुश हगी है तो इंज कर आज पराठे बना दे घी वाले, रब वास्ते ओदे च कड़ी पत्ता ना पाई। हो जा जा बना, इसी बात पे एक सेल्फी तो बनती है। सासू गॉन पार्टी ऑन। अच्छा चलो ये बताओ तुम कैसे मरना चाहोगी? खसमारू खानी राब ना करे मैं मरा, जा जाके काम कर। सरला भैन जी तुसी की कर दो मरना चाहोगे? नरा मरन तुहाडे दुश्मन। दरअसल गाल ए अगी है, शांति दी सास मर गई है ते ओ ना अपना फेवरेट सीरियल देखदे हुए मरी है। नहीं भैन जी गल ए हैगी है, जिहड़ी डैथ होनी चाहीदी है ना क्लासी तरीके नाल होनी चाहीदी है, कोई चीप तरीका नहीं, नहीं ते तुहाडी या मेरी नूनो ना चार गल्लां करन दा मौका मिल जाएगा। जिवें जद मेरी सस मरी सी भैन जी बवासीर नाल, असीं सतारिये तक हसते रहे सी। भैन जी वैसे जद मैं मरा ना मैं चाहनी हाँ कि मैं ना किट्टी दा हाउस जीते हुए मरा। सोचो नंबर आए 2121 ते मैं बोला यस, फिर पावे मैनू हार्ट अटैक भी हो जाए ना कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। और की भरा जी तुहानू मालूम है स्क्रिप्ट च मेरा कैरेक्टर इतना इंटेंस हो गया, मैं तुहानू की मेरा वाली माता बेड़ा पार लगा दो। हेलो अलका पुत्र की हाल चाल, आ गई तेनू सस दी याद? एमबीए की है टिमी, मीटिंग च ही होना है। हाय हाय हॉली बोल की हो गया, चुक लेगा फोन, केड़ा सुनामी आ गया उथे। नाले सुन जेड़े मैं कपड़े बाहर कट के आई सी सर्दियां दे उन्हां नू धूप लगा दिती है। हेलो हेलो खसमानू खानी देखो प्राजी मेरे मुंह ते फोन काट दिता इन्हें। हरिओ हरिओ। तो आंटी क्या वो तुम्हारा गणेश चतुर्थी मनाएगी? मैं अलका दीदी के साथ में ही छे, वो तेरी मासी लगती है क्योंकि वो मेरी कॉम की है। किवें हो गई तू ठहरी मराठी ते ओ शादरा दी? मंजे आंटी वो बहु कॉम की है और जो भी हमारी कॉम की सिस्टर लोग को अटैक करेगा शांति शोले उसे कभी नहीं छोड़ेगी। जय महाराष्ट्र। मैं ओनू नहीं छड़दी ते तेनू किवें छड़ दांगी? बहुत बढ़िया बहन जी बहुत बढ़िया। आंटी तुम जैसी सास को तो काय बोलता चला, हाँ नासा में छोड़ के आना चाहिए, नेशनल लेडी सास एसोसिएशन, सबको चांद पे पटक के आने का। ओथे ते मैं तेनु छट के आवांगी। आंटी तुमको ना शर्मिला और जया की माफी को होना चाहिए। ए शर्मिला टैगोर ते जया बच्चन एकदम बरोबर। आंटी उधर केन्स में ऐश्वर्या राय 25-25 किलो का गाउन पहन के घूमती है, क्या कभी जया बच्चन बीच में बोली नहीं ना करीना कपूर ने अपने बेटे के लिए मस्त नैनी रखा, क्या शर्मिला टैगोर ने उसको इंटरफेयर किया? नहीं ना, सास को ऐसा ही चोना मांगता। बेड़ा तरे तू केड़ी करीना कपूर अगी है या ऐश्वर्या राय बच्चन अगी है? शर्मिला टैगोर ते जया बच्चन दोनों बंगालन अगियां ने, ओ ते वैसे ही सब कोलो डर जांदे ने, लेकिन मैं अगियां पक्की पंजाबन, मैं किसी कोलो नहीं डरती, तेनू आनू ते मैं बिल्कुल नहीं छड्डांगी। आंटी बंगाली और मराठी में इतना ग्रेस होता है कि तुम पंजाबी लोग कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते। ग्रेस ग्रेस दी गल्लां करनी पई है तू? मेरे च तो भरा जी इन्नी ग्रेस हैगी भरा जी, मेरे घर च तो क्रोकरी भी बोन चाइना दी हैगी है, मैं तुहानू करके दिखानी हाँ भरा जी।
Can you please pass me the cookies? Shanti, go make some tamarind tea. Auntie, cardamom. एक कोई गाल होंदी है। खसमानू खानी। प्राजी, मेरे कोल ते साउथ दिल्ली दिया जनानिया ग्रेस ते लेसन लैन आंदिया ने। भैन जी, बिल्कुल सही कह रहे हो तुसी। आंटी, ये ना सब तुम्हारा एक्टिंग में समझती है। तुम वो सास है जो अपनी बहू की मुंह दिखाई का पैसा भी ना अपने ही बटुए में रखती। वो ते ऐस वास्ते क्योंकि शादी दे सारे सगना वाले लिफाफे उन्हें अपनी मां नू फड़ा देते सी। भैन जी, मेरी नूह ने भी आज तक कोई लिफाफा वापस नहीं दिता। लो दसो। ए अंकल, दीदी बहुत स्वीट है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं सुनेगी। नूहां दा ए एक रोना गए, बाहर वालियां दे नाल सब दे नाल स्वीट बांधिया ने ते घर दे सास सौरे दे नाल शुगर फ्री वाला व्यवहार। अरे देवा आंटी, तुम तो वो बिल्कुल सीरियल की सास के माफिक है जो अपनी मोटी कमर में चाबी दबा के रखती है और उसके बाद बहू को कमोली का बनने पे मजबूर कर देती है। सीरियल वाली सास, यही तो मेरा कैरेक्टर है। देखिया प्राजी, मैं कह रही सी ना मैं कितनी इंटेंस एक्टिंग करनी है, ऐसा वो शांति करके यही मेरा टैलेंट पहचान सकती है। चल शांति, उन बुद्धि ठीक कर ले, हुन जाके तड़का लगा ले तू। और शांति बुद्धा एक मिनट, ओ कड़ी पत्ता। ना ना प्राजी, आज ते एनू पान दियो, आज कड़ी बंदी पई है, पा ले। भैन जी, कनाडा च जड़ी मेरी भैन की है ना, ओदे मुंडे दा व्याह फिक्स हो गया है। हाई, लाख लाख बधाई। ओए कुड़ी कित्थों दी हैगी है? कोई कनाडा च कोई फेसबुक करके शहर हैगा है। अरे अंकल, एक बात बोलूं, मेरे जो ताऊ का बेटा है ना, उसका भी प्यार फेसबुक पे ही हुआ था। हाँ, ये तुम्हारे लिए चीनी कम डाला। तेरा काम हो गया है? वैसे मैं दसा, टिम्मी दे पापा ते मैनू भी ना नजरां च ही प्यार हो गया सी। अरे आंटी, आजकल नजर से कुछ नहीं होता, आदमी को पूरा देखने का मांगता है। वैसे है शहर हैगा किधे हैगा? हाय प्राजी, तुसी किन्ने भोले हैगे हो प्राजी। फेसबुक ना इंटरनेट दी दुनिया दा अरे समाजी मंदर हैगा है। उत्थे लोकी फोटोआं पांदे ने, लड़दे ने, झगड़दे ने, निंदा चुगली करदे ने, कईआं दे ते रिश्ते भी हो जांदे ने। मैं ते कहनी हां तुसी अपना प्रोफाइल बनाओ उत्थे। हां अंकल, आंटी बिल्कुल ठीक बोली, तुमको भी सोशल मीडिया पे होना ही मांगता है। सिंगल है ना, अकेलापन दूर होगा। हां चलो, पहले प्राजी दा ईमेल अकाउंट बना। हो kishorilal@gmail.com। कितना थकेला अकाउंट है। हो गया, हो गया। चल हुन तुसी अपनी डेट ऑफ बर्थ मैनू दिखाओ। ए फड़ो मेरा आधार कार्ड। आजकल ते बिना आधार कार्ड दे बंदा मर भी नहीं सकदा है, ते फिर भी फेसबुक दा प्रोफाइल लगा है। चल शांति, डेट ऑफ बर्थ लिख। 14 फरवरी 1940। हाय मैं मर गई, वैलेंटाइन डे वाले दिन तुसी पैदा होए सी। हाय प्राजी, हुन सानू चाहिदी है तुहाडी प्रोफाइल पिक्चर। शांति खींच। चलो अंकल, अब मेरे साथ प्रैक्टिस करो, थोड़ा मुंह बनाओ ऊ करके, थोड़ा सा और। क्या सुंदर लग रहे, बिल्कुल एमबीए वाली हरकता। ए किहो जे काम करांदी पई है प्राजी, कोई करण जोहर अगे ने जेड़े टेढ़े मेढ़े मुंह बनाणगे। प्राजी तुसी चंगी जी स्माइल दो ते सीधा मुंह रखो, खींच। मैं ना ब्यूटी फीचर से अब झुरियां हटा देगी, बहुत एक्सपर्ट है मैं। प्राजी हुण सानू चाहिदी है तुहाडी कवर फोटो। ले, ए भड़। आंटी कितनी मस्त लग रही है। मेरी सब तो प्यारी चीज मेरी वाटी निर्मल, ऐसी फोटो बाद है। कितना इमोशनल है ना अंकल, ये रखो। हो गया निरुपर ओए जी। प्राजी हुन सब तो इम्पोर्टेंट चीज, सानू कुछ अपने बारे च दसो। अंकल के बारे में मैं मस्त लिखेगी। अंकल दिन में चाय, मंदिर में क्राय, कोई बात करे तो शाय शाय। हाय मैं सदके जावा मेरी जावेद अख्तर। चपेड़ मारेंगी जे एहो जे कुछ लिखेगी, डिलीट कर। हाँ लिख, किशोरी लाल द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर फ्रॉम लाहौर, नाउ वर्किंग फॉर बेस्ट टीवी एक्ट्रेस पम्मी। ऐ ते बहुत वधिया गल लगी है, मैं भैन जी का परसनल मनीष मल्होत्रा ही तो होगा। प्राजी हुन मैनू अपना फेवरेट कोट दसो।
मैं तो कोट पांदा ही नहीं। अरे अंकल के लिए मस्त वाला कोट मैं बताती है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम्हारी फेवरेट किताब? भगवत गीता। फेवरेट सिंगर? मोहम्मद रफी। फेवरेट फिल्म? मुगले आजम। आई मालिका शराबत वाला है? लो अंकल तुम्हारा फेसबुक का प्रोफाइल खत्म हुआ, ये देख मस्त बनाया ना मैंने। बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ कह रहे कशोरी, हाउ यू फीलिंग? तो अपडेट मारने का ना, लिखो फीलिंग जाकास विद शांति शोले। नहीं तुसी लिखो फीलिंग बढ़िया विद पम्मी। नहीं तुम वही लिखेगा जो मैंने बोला और साथ में हैशटैग झिंग 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 झिंग। तूने तो बाहर निकल जा, तुसी फिर लिखो हैशटैग विद रबर पम्मी वर्सेस फीलिंग ऑसम विद पम्मी। नहीं अंकल हैशटैग झिंग 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 झिंग। आंटी तुमको मालूम है कि ऊपर वाले माले पर एक गोरी मेम रहने को आई है। हाय जब मैं जवान होंदी सी ना मेरा रंग बिल्कुल मलाई वर्गा आकासी। कटरीना के पीछे काला चश्मा में डांस कर रही थी दीदी, नाम है रेचल। इट्स रेचल। हाँ वही रेचल। ओह आई जस्ट गॉट अ मैसेज फ्रॉम माय बॉस, ही इज कमिंग टू इंडिया एंड ही वांट्स टू हैव लंच विद मी। मॉम ही इज कंसीडरिंग मी फॉर प्रमोशन। हाय मुबारक कोई पुत्र। लेकिन तू टॉम क्रूज की औलाद किवें बन गया है? Because I'm practicing. He likes everything British and healthy. Can we please now decide the menu? ठीक है कोई गल नहीं, तो फिर मैं बटर चिकन छोले भटूरे ते मीठे च मालपुआ ते मूंग दी दाल दा हलवा बनावांगी। तेरा बॉस इतना इंप्रेस होएगा, इतना इंप्रेस होएगा कि तैनू अपना ही बॉस रख लेगा, और की। अरे आंटी हेल्दी फूड, मैं ऊपर वाली दीदी के घर पे भी ऐसा ही हेल्दी खाना बनाती है, ग्लूटेन फ्री नाचोस एंड गुआकामोले। भाऊ आजकल हुमस और पीटा ब्रेड बहुत चल रहा है मार्केट में। सच मुंबई जिते इतनी हुमस उग गई है ना। अरे आंटी हुमस मंजे चने की चटनी। तू छोले दी चटनी खिला सकनी है तो मैं छोले भटूरे नहीं खिला सकती। मॉम कैन यू प्लीज चिल। शांति आई गेस वी कैन हैव सुशी आल्सो। लंदन वाले शशि पेन जी भी नाल आ रहे ने। अरे आंटी जब मछली को कच्चा खाते हैं उसको सुशी बोलते हैं। मेरे घर से कच्चा खाना कोई नहीं खाएगा। अरे आंटी तुम 1970 में जी रही है, कच्चा मछली खाने से ताकत मिलती है। भाव ऑनलाइन ऑर्डर करूं क्या? यस गुड आइडिया। भाऊ चखने के साथ टिकाने में क्या चाहिए? ले ए जेड़ा सोफा में साउथ बॉम्बे तो लेकर आएंगे, उठे बैठे टिको ना। काई हिड़ी है। अरे आंटी टिकाना मतलब गट गट। ओ तेंज बोलना। टीमी दे पापा दी स्कॉच पई हुई है, मैं ओदे च रू अफजा पाई सी, एनी कौड़ी होगी सी, एक अद्धा सिप मैं लिता सी। मॉम यू बीन हैविंग दैट स्कॉच? भाऊ कभी कभी गम भुलाने के लिए पीना चाहिए है ना आंटी। वैसे किशोरीलाल अंकल के पास माउंटबेटन वाइन है, मस्त चढ़ती और पुरानी भी है, लेकर आऊं क्या? नॉट ए बैड आइडिया, गो गेट इट। तू छुप के किशोरीलाल पराजी दी शराबा पीनी है? मैं छुप के कुछ नहीं करती, जो कुछ करती है खुल्लम खुल्ला करती है, और तुम जो पीती है उसका क्या? ओ मेरे खसम दे पहरा दी स्कॉच आगी है, ओदे चे पूरा हक आगा मेरा। तो ये भी लेडी माउंटबेटन की वाइन है, इसमें पूरे देश का हक है। बॉस ने लंदन वाले मिश्रा को प्रमोशन दे दिया। अरे मेरा पुत्र रुड़ जाना, मां मर जाए ओदी, जिंदगी च कोई जॉब ना मिले ओनू। ये लो भाऊ ये पियो। मेरे पुत्र दा प्रमोशन कैंसल हो गया तो तू शराबा पिलानी पई है ओनू। तो फिर गम भुलाने के लिए पियो, मेरा मरद भी पीता है। मां मर जाए तेरे मरद दी। अरे देवा वो तो पहले ही चौफ हो गई। बहन जी मैं फ्रेम सेट कर दिता है, तुसी दोनों होने शुरू हो जाओ। अरे देवा सास बना सांप। आय हाय कान खजूरी सास अगी है, सांप ते तू अगी है नागन। तो मैं हां डायरेक्टर कॉस्ट्यूम डिजाइनर ते आहो आहो तुसी सब कुछ कर सकदे हो, तुसी स्पॉट दादा भी आ गयो। चल शांति हुन तू मेरी फाइनल रिहर्सल करा, नाले गाल सुन पूरे क्यू देई ते फीलिंग नाल करी। चल पम्मी ओम पुरी जी दा आशीर्वाद ले ले, नाले पूरी नेचुरल एक्टिंग करी कन खजूरी दी। अरे आंटी क्या टाइम पास कर रही है, लौकर करो ना। पहला रुक मैनु एक्शन तो बोलन दे। वेट है एक्शन। आज तेरे और मेरे बीच में मुकाबला होके ही रहेगा कन खजूरी।
ए आंटी ये क्या खचखच कर रही है? आई मैं पूरी नेचुरल एक्टिंग करना चाहती हूं। मैं ना डिस्कवरी चैनल से देखया सी कण खजूरे एहो जी आवाजा कड़ देने। मैं ते कहनी हां तू भी ना नागन बनी है ना ते करया कर, बड़ी फीलिंग आंदी है। भैन जी बिल्कुल सही कहंदे पए ने। शांति पुत्र कैरेक्टर च रह है। चलो दोबारा करने हैं ठीक है। टेक टू एक्शन। आज तेरे और मेरे बीच में मुकाबला होके ही रहेगा कन खजूरी। नागमणि तो तू मुझसे छुड़वा नहीं सकती। तू मैनू उकसाई ना, मेरे कोलो तेनू हुन कोई नहीं बचा सकता। ना तेरा मिस्टर नाग, ना कोई तेरे जादू टोनेर, ना ही एकता कपूर। तू मैनू जानदी नहीं। मेरे नालों मेरी सास नहीं कोई जीत पाई, ना ही हांडा पेंजी कोई किट्टी जीत पाई। तो तू किस खेत की मूली अगी है? ए आंटी तुम्हारी कन खजूरी सास कब से किट्टी पार्टी खेलने लग गई? ऐसा तो स्क्रिप्ट में है ही नहीं। मैं ना थोड़ा कैरिड अवे हो गई है, चल दोबारा करनी है। सॉरी सॉरी। कोई गल नहीं दोबारा कर लेने। एक्शन। आज तेरे मेरे बीच में मुकाबला होके ही रहेगा। नागमणि तो मैं तेरे हाथ में लगने ही नहीं देगी। तू हथां दी गल करनी पई है? मेरे को लगी है 101 टंगा, वो भी सगना वाली। जे एक बारी मैं तेनू डंग मार दिता ना, तेरे त्यूड़ियां पैजी ने, तेरा मिस्टर नाग भी तेनू नहीं पहचान पाएगा। तू नागमणि दी गल करनी पई है? मैं तेरे प्यो नू, तेरे पूरे खानदान नू लब सकनी आ। ए आंटी तुम कितनी एड़ी है रे, ये तुम्हारी कन खजूरी सास कब से पंजाबी बोलने लग गई? हां सांगा है, मैनू लगता तेनू एक्टिंग आंदी नहीं है। हर कैरेक्टर दी भी ना बैक स्टोरी होंदी है भरा जी। मेरे कन खजूरे दी भी बैक स्टोरी हैगी, तुसी सारे सुनो। मेरा कैरेक्टर कन खजूरे दा प्यो बलविंदर सिंह कन खजूरा जगरावा डिस्ट्रिक्ट पंजाब दा ना रिचमैन हैगा सी। तां ओदा प्यो भूषण सिंह कन खजूरा उत्थों दा डॉन हैगा सी। ते मेरे दादे दा बड़ा रुतबा हैगा सी, लेकिन मेरा प्यो बड़ा ही सीधा साधा आदमी हैगा सी। ओ हर वेले ना नीम दे पेड़ दे थल्ले बैठिया रहिंदा सी, कुछ लिखदा रहिंदा सी, बड़ा ही क्रिएटिव हैगा सी। फिर एक दिन ना ओदी जिंदगी च मेरी मां यानी किरण कन खजूरी आई। ते मेरी मां बड़ी पटाका आ गई सी, जिथे जांदी सी ना रौला पै जांदा सी। कन खजूरा वेट लिफ्टिंग दी चैंपियन हैगी सी। ते फिर की सी, दोनों दी अखां मिल गईयां ने, ओ कहंदे ने ना ऑपोजिट अट्रैक्ट। फिर की सी, गन्ने दे खेत च दोनों दा हो गया। अरे आंटी ये गजगज मंजे का है। हाय हाय खेता च होर की होएगा, रब्बा रब्बा। बड़ी नॉटी है रे तू। तो फिर की सी, लोगों को पता चल गया, इन्ना रौला पै गया, तो दोनों रातों रात ही वह गन्ने का खेत छड़ के नाल वाले गन्ने के खेत से चले गए। उथी तो मैं पैदा हुई सी, तदी तो मैं पंजाबा ना गई। क्यों भरा जी? भैन जी बिल्कुल सही कह रहे ने, सुनिया। चलो अब फिर से करें। एक्शन। आज तेरे और मेरे बीच में मुकाबला होके ही रहेगा। ऐचा गावत तू नागमणि माझा खड़ून घेऊ शकत नाही। महादेवाची शपथ, आज तू जीवंत राशी नाही तरमी। मी नागिन तुझा अख्या खानदानार संपूर्ण टकेल। ऐ की बोलनी पई है तू? तुझा टंगड़े भाजी पावत घालून खाईन, तुझा विष पाणी पुरी घालून पीन। जय महाराष्ट्र। ऐ की कर रही है, मराठी क्यों बोलनी पई है तू? मेरी नागिन मराठी है। सरला बहन जी हाँ मैं सारी कहानी तुहानू आके दसांगी, लेकिन यार नाल आन वाले ट्यूजडे नू मेरा एपिसोड वेख लेना। हाँ ते बाकी किट्टी वाली जनानियां नू कह देना। चलो मैं बाद च करनी आ। स्टार दी सीक्रेट लाइफ जे जाननी होए ते मैनू पूछ लो, मुंह की वेखदे पे हो मेरा। आंटी तुम्हारा शूट मड में मेरे बाजू वाले बंगले में ही तो था, मैंने देखा। ओ प्लीज आउटसाइडर्स वर नॉट अलाउड। आंटी मैं मराठी मानुस है, माँ के पेट से ही शूटिंग देखती आ रही है। कल को शाहरुख खान भी मेरे सामने आएगा ना, शांति शोले को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सब समझ गई, शांति अंगूर खट्टे ने। आंटी मी आफुस है आफुस, तुम होगा पिलपिला पेरू। शांति मुझे आम खाना है, प्लीज काट के दे दो। जा। हो भैया। वैसे मॉम लुक्स लाइक यू हैड लॉट ऑफ फन एट द शूट। मैं तेनू सच्ची दसा टिबी, एहो जी फीलिंग मैनू लाइफ च सिर्फ दो बार आई है। एक जब मैं अमृतसर यूनिवर्सिटी जे मिस फ्रेशर बनी थी, ते एक उस दिन जब मैं शूटिंग करती पई सी। दोनों टाइम मेरे अगे पीछे लोकी तुरदे पए सी। तो सब तो कमाल दी गल हैगी है, मेरा कमल 21 साल दा मुंडा, ओनू सारे ना स्पॉट दादा कहंदे पए सी। ओने मेरी इन्नी सेवा कीती, इन्नी सेवा ते मेरा सगा मुंडा ना करे कदी। भाऊ देखो आंटी तुमको कैसे टॉन्ट दे रही है, लो हाफूस खा। थैंक्स शांति। मेंशन नॉट। अरे आंटी तुमने वो किशोरीलाल अंकल का कॉस्ट्यूम पहना? ले वो तो मैं पाना ही सी। उत्थे ना कॉस्ट्यूम डिजाइनर कहंदा पिया सी, पम्मी भैन जी तुहाडी फैशन सेंस ते ओ की कहंदे ने वरसाचे ते डोने वर्गी हैगी है। आंटी डोनाटेला वरसाचे।
तू चुप कर जा प्राजी, सब तो बेस्ट लगे ने। फिर जब मेरा शॉट लग गया तो मैं मेकअप करके जब पहुंची सेट थे तो डायरेक्टर ने क्या एक्शन थे, मेरी एक्टिंग ए दूध मलाई वर्गी बहंदी गई ता मैं जाकर अपने गुरुआ दा ओमपुरी जी दा आशीर्वाद लेता। ओमपुरी से आंटी, तुमने कब ओमपुरी से एक्टिंग सीखा? वो तो जे तू ऑफ बोली ना मैं तेनू चंड मारांगी। मैं ओमपुरी जी कोलो एंड एक्टिंग सीखी जिवें एकलव्य ने द्रोणाचार्य कोलो धनुर्विद्या सीखी सी। Hashtag fail. Hashtag खस्मा नुखानी. वैसे मॉम, looks like you had lot of fun. हाय टिम्मी पुत्र, एना फन ते तेरे प्यो नहीं कदी मैनू कराया जिन्ना मैनू शूट करके आया। सच, फिर ना एपिसोड च ना कन खजूरी सास ना नागन नू ना इंज टंग वड़ दी। बस बस आंटी, इतना स्पॉइलर आज ही दे दोगी क्या? तुम्हारा शो कोई गेम ऑफ थ्रोन से कम थोड़ी है ना भाऊ? चलो आंटी, तुम्हारे कैरेक्टर का प्रोमो बनाते हैं पब्लिसिटी के लिए। लग रही हूँ ना? हाँ, चल। KKS यानी खूबसूरत कन खजूरी सास, ओदा आतंक पूरे शहर च फैल चुका है। नागन दा बचना हुन नामुमकिन होगा है। कन खजूरी सास आ रही है तुहाडे कार च मंगलवार राती, देखना ना भूलना। ठीक लग रही हो? वाह आंटी, तुम तो बिल्कुल वन टेक आर्टिस्ट है। हा? डायरेक्टर भी यही कहता पिया सी सुधा चंद्रन भी 4-5 टेक लेंदी है, तुसी बेस्ट होगी हो। अच्छा गावत आंटी, ऐसे सीनियर एक्टर का नाम नहीं लेने का। हाय मैं मर गई। हैशटैग पम्मी की वाट लागली। आंटी आंटी, अरे तुम इतना नर्वस काहे को हो रही है? अरे मैंने तुम्हारा इंटरनेट पे इतना प्रमोशन किया है, कल को तुम्हारा सीरियल फ्लॉप भी हो गया ना तो भी तुम इंटरनेट की दुनिया की केयर की बन के ही च रहोगी। फिटे मुँह तेरे, जद भी गाल करनी है बकवास ही करनी है। तेनू होश भी हैगी? उत्थे दिल्ली च मेरी सारी फ्रेंड्स ने टीवी दे अग्गे बह जाना है। मंदिर वाली किट्टी, चौथे वाली किट्टी, पंजाबी बाग की किट्टी, सारी जनानियां ने मेरा शो वेखना है। गला करनी पई है तू? भैन जी तुसी घबराओ ना। मम्मा रिलैक्स, ब्रीथ, यू गोना बी अमेजिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो प्राची गदर मचा देना है। देखना इस साल का समिता पाटिल अवार्ड मैनू ही जाना है। That's the spirit. Yo, mama, go. आंटी, अब मैं तुम्हारे साथ सेल्फी लेगी। मम्मा आपका सीन आ गया। ए, हट जाओ साइड पे, हट जाओ। ए लता, लवकर टीवी लाओ, माझा आंटी ला टीवी पर बग। मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, महादेव की सौगंध। अरे देखो आंटी तुम, और मेरा मेहंदी रंग वाला कॉस्ट्यूम भैन जी कितना सोना लग रहा है। प्राची हल्ले मेरा फ्रंटल शॉट देखना, करीना कपूर भी शर्मा जाएगी। कन खजूरी, नागमणि तो तू मुझसे छुड़वा नहीं पाएगी। ए हल्ले तक मैनू दिखांदे क्यों नहीं पाए? उत्थे ते मेरे अग्गे पिछे 150 कैमरे लाए हुए सी। इंज शॉट दियो, इंज शॉट दियो। आज तेरा कोई जादू मेरे ते नहीं चलेगा नागिन। आई शपथ, क्या मस्त इफेक्ट है ना आंटी, तुम तो कन खजूरी सास बन गई। चौकीदार दी भी मैं मिन्नता मांगिया धक्के खाते ते है मैनू मिलिया आए। तुम तो कहती थी कि शोभा आंटी तुम्हारी बचपन की सहेली है, अब क्या हुआ? ठीक, खुद पास्ट टेंस हो गई है।
शपत आंटी तुम तो इंटरनेट सेंसेशन बन गई है। तुम्हारा टीवी डेब्यू प्रमोशन ट्रेलर पे 2 मिलियन व्यू आ गए हैं। तू चुप कर जा, मैंने टीवी एक्ट्रेस बनना सी पार जगह है तेरा इंटरनेट। तुम्हारा फैन कॉल होगा। ऐसे मेरी नेशनल टेलीविजन से बेइज्जती हो गई है, तू हले भी मजाक करनी पई है। बात तो कर ले। हेलो, इट्स एकता कपूर हियर। कौन एकता कपूर? एकता कपूर? शोभा जी बेटी। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.